गाजीपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों की तेज रफ्तार देखने को मिली है। बुधवार यानी 17 जून को एक बार फिर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। आज गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले देखने को मिले हैं। इससे ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी 19 नए संक्रमित रोगी मिले थे। इन 19 नए संक्रमित मरीजों में से 17 की डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री है, जबकि 2 मरीजों का सैंपल रैंडम तरीके से लिया गया था। आइए आपको बताते हैं कि कहां से कौन मरीज मिला। एक एक मरीज तुरना, नंदगंज और रामपुर देवकली से मिले हैं। इन दोनों मरीजों का रैंडम सैंपल लिया गया था। एक मरीज गोलोलपुर, एक सुहवल और एक रेवतीपुर के हैं। इनकी डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। इसी तरह एक मरीज जमालपुर मोहम्मदाबाद, एक मोहम्मदाबाद, एक बाराचवर और एक मरीज हसनपुरा कासिमाबाद के रहने वाले हैं। इन नए कोरोना संक्रमितों में महरूवर कासिमाबाद, देवली सलामतपुर और शाहपुर रुल्ली जमानिया के एक, जबकि धुसका जमानिया के 3 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा दरौली जमानिया, कबीरपुर मोहम्मदाबाद, नारायणपुर रानीपुर मरदह, दवाज नगवना मोहम्मदाबाद के एक एक मरीज शामिल हैं। गाजीपुर समेत यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने की कार्रवाई को जारी रखा जाए। उन्होंने पुलिस को सघन पेट्रोलिंग जारी रखने का निर्देश दिया है, ताकि कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो पाए। यूपी सीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण पालन का निर्देश दिया है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।